Hi guys, I'm Soro from S.S. Fan of Invention, and this is my PC. In this video, I'm going to upgrade my PC. अभी मेरे PC के अंदर जो प्रोसेसर है, वो है ये Intel Pentium G645, जो कि एक dual core प्रोसेसर है, 2 threads के साथ आता है, और clock है 2.9 GHz पे, 3 MB का कैश है, और you know what? मैं अभी तक का जितना भी editing वगैरह का काम होता था, सब इसी पे करता था, और मिनटों के काम में घंटे लगते थे। कभी-कभी तो सॉफ्टवेयर भी क्रैश होता था, होना ही था क्योंकि ये प्रोसेसर एडिटिंग वगैरह के लिए बना ही नहीं है। तो मैं अभी जो करने वाला हूँ, इसका प्रोसेसर को अपग्रेड करने वाला हूँ, इससे Intel i5-2500, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 थ्रेड है इसमें और 6 MB का कैश मेमोरी है, और ये क्लॉक है 3.3 GHz। तो आइए जो अभी करंट सीपीयू है Intel Pentium G645, उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं एक डेडिकेटेड जीपीयू नहीं लगाकर सीपीयू को अपग्रेड कर रहा हूं। तो मैं बेसिकली यहां पर कोई बेंचमार्क के सॉफ्टवेयर वगैरह से कोई स्कोर नहीं निकालने वाला हूं, मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिकली थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना इसका सीपीयू यूज हो रहा है और कितना इसका जीपीयू यूज हो रहा है, बस यही दिखाना चाहता हूँ, और इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। अभी जो आप ये मॉनिटर देख रहे हैं, एक 720p का मॉनिटर है, और इस पर मैं एक 4K का वीडियो सिर्फ चला रहा हूँ। एडिटिंग के बारे में तो सोचना भी मत, 4K मैं सिर्फ ये वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, जो कि मेरे मोबाइल से वो भी रिकॉर्ड किया हुआ है ये 4K वीडियो। ये देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा साइज एडजस्टमेंट में भी बहुत लैग आ रहा है, बहुत लैग आ रहा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो को प्ले करने में कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है। देखिए सीपीयू बिल्कुल 100% में रीच हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो है ये एक जो है फाइल मैनेजर खुला हुआ है, एक वीडियो चल रहा है, और ये टास्क मैनेजर है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी चीज़ रन नहीं हो रहा है। मैं वीडियो को फिर से चला देता हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ ये 3 चीज़ें चल रही हैं, और पूरा का पूरा सीपीयू जो है 100% को रीच कर गया। अभी मैं इसका जीपीयू यूज भी देख लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वरना जो सॉफ्टवेयर है वो भी ओपन नहीं होगा आफ्टर वर्नर। ओके ठीक है, अभी हम इसको अभी हम इस पर देखेंगे कि जीपीयू कितना यूज़ हो रहा है। ये रहा जीपीयू यूजेस, और मैं वीडियो को फिर से प्ले कर देता हूँ। ये देखिए इधर जो सीपीयू यूजेस है फिर से 100% पर ही है, और जो यहाँ पर जीपीयू यूजेस है वो सिर्फ और सिर्फ 45% पर 45% 46 पर है। तो इसका मतलब आता है कि ये जो सीपीयू है वो बॉटलनेक कर रहा है जीपीयू को, जो कि प्रोसेसर का इंटीग्रेटेड जीपीयू है उसको बॉटलनेक कर रहा है सीपीयू। तो यहाँ पर अगर मैं कोई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा भी लेता तो उससे कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं होता। मैंने सोचा एक अच्छा प्रोसेसर ही खरीद लिया जाए, और मेरा जो मेमोरी है यानी कि रैम वो 4 GB का है, और यहाँ पर हाई तो आप देख सकते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैंने रैम को अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोचा। अभी जो है मैं मेरा प्रोसेसर को ही अपग्रेड कर रहा हूँ, और अभी हम एक वीडियो को एडिट करने की भी कोशिश करेंगे, और वो भी 720p का वीडियो होगा। 4K एडिट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, इसमें मैं एडिटिंग के लिए बेसिकली यूज़ करता हूँ हिट फिल्म को ओपन कर लेता हूँ। ओपन हो गया हिट फिल्म, स्टार्ट एडिटिंग करता हूँ, और यहाँ पर एक
यहाँ पर एक 720p का फाइल जो है ड्रैग करूँगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर 1280x720p, और इसको हम एडिट करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की मैं यहाँ पर इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, बस सिंपली इसको प्ले कर रहा हूँ। प्ले तो हो रहा है, आप देख सकते हैं कोई भी लैग के बिना प्ले हो रहा है, लेकिन मैं अगर इसको टाइमलाइन पे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि बहुत डिले के साथ ये ड्रैग हो रहा है, देख सकते हो आप। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ड्रैग के साथ जो टाइमलाइन का फीडबैक है वो कितना डिले के साथ आ रहा है, बहुत ही डिले है, और वो भी 720p का फाइल के साथ। और कोई भी इफेक्ट मैंने इस पर अप्लाई नहीं किया है, उसके बाद भी इतना सा डिले। अगर कोई ट्रांजिशंस या फिर कलर ग्रेडिंग आप करते हैं तो एडिटिंग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 720p पर भी। आ गया तो यहाँ पर हम देखेंगे जो CPU परफॉर्मेंस है ट्रैक करते वक्त करीबन 95-96 पे आ रहा है, और GPU जो है 19 पर है, और मेमोरी तो 2GB से भी कम यूज़ हो रहा है, मतलब रैम जो है 2GB से भी कम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो GPU है, बेसिकली डेडिकेटेड GPU लगाने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं आता है। पहले तो हमारा जो CPU है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए और टाइम ना गवाए, PC को खोलते हैं और जो प्रोसेसर है उसको रिप्लेस करते हैं i5 2500 के साथ, और उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस।